बहुत ही रिस्की रोड है भाई, बहुत ही रिस्की रोड है। थोड़ी सी गलती है तो आपकी जान जाएगी या सामने वाले की जान जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीएस गियर्स। और जैसा कि कल मेरा भंसार जो है आगे के लिए कट नहीं पाया था, तो मैं एक फ्री वाला लेके चला गया था। अपने भैया के हॉस्टल में रुका था यहीं NMC में, NMTCH में जो है। और अभी मैं आज सुबह सुबह से आया, बहुत ट्राई किया आगे जाने का, पर पता नहीं क्या है, परमिशन नहीं है कि उधर आज अलाउड नहीं है जाना, जो भी रीज़न हो, तो मेरा हो नहीं पाया। तो अभी मैं यहाँ से बैक टू पवेलियन हो रहा हूँ, और मेरे घर से भी फ़ोन आ गया। मैंने पूछा उन लोगों से ऐसा ऐसा है, आज रुक के ट्राई कर लूँ, पर वो लोग बोले नहीं भाई आ जाओ, जब खुलेगा पता करके जाना। तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, तो चलिए कोई नहीं, सेकेंड अटेम्प्ट होगा, दोबारा आएंगे, पता करके आएंगे इस बार भैया से क्या है क्या नहीं है, वो सब जो है इनसे बातचीत करके। से निकल रहे हैं, ये जो ब्रिज है छोटा सा, ये क्रॉस करते ही मैं इंडिया में आ जाऊंगा। अभी भी मैं नेपाल में ही हूँ। तो लीजिए, हम अभी इंडिया में आ चुके हैं, और वहाँ से यहाँ आते एकदम दृश्य बिल्कुल चेंज है। ये आप लोग ट्रैफिक देख लें, ये एक रक्सौल का ये रेलवे ट्रैक है यहाँ पे, ये हमेशा ट्रैफिक जैम ही रहता है। जो ब्रिज मैं बता रहा था वो यही है। वैसे तो रेलवे ट्रैक खुला हुआ था वो, पर मेरे को एक बार आप लोगों को दिखाना था ये कैसा लगता है, और यहाँ से जो है व्यू कैसा आता है। ये देख लीजिए, इस पे जो है छोटे छोटे ऑटो, ये जो आजकल जो बैटरीज वाली आई है वो भी निकल जाती हैं, तो ऐसा सच कोई दिक्कत होता नहीं है बाइक वालों को। हाँ, अगर आप कार से हो तो फिर आपको प्रॉब्लम है, आपको लाइन में खड़े रहना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा। ये देखिए हमने कैसे ट्रैफिक को जो फिल्टर करके हम निकल गए, पर फिर भी वही हाल है। मक्खन की तरह लगता है, थोड़ी ही दूर बना हुआ है, ज्यादा दूर है नहीं, लेकिन बड़ा मजा आता है। अभी तो चलिए धूप है, सामने में जब भी यहाँ से क्रॉस होता हूँ मेरे को रामेश्वरम वाली फीलिंग आती है। तो यहाँ पे जो है लगता है पुलिस की चेकिंग चल रही है, जो भी रीजन हो, देखते हैं अभी पता करते हैं क्या है। हाँ, ये पुलिस की ही चेकिंग है। बाइक्स की जो चेकिंग चल रही है, लोग बिना हेलमेट के बिना पेपर से बाइक चलाते हैं, तो इसी के चलते पुलिस जो है आप अपनी चेकिंग डाली हुई है।
तो मैं आने टाइम जो है वो ज़रा सा रूट चेंज कर रहा हूँ। जब मैं इधर से नेपाल गया था तो मोतिहारी होके गया हुआ था, पर मैंने सोचा कि अब जब आगे बढ़ा नहीं तो जब रिटर्न ही हो रहा हूँ तो उसी रास्ते फिर क्या जाना है, वही क्या दिखाना है। तो अभी मैं एक दूसरे रास्ते से आ रहा हूँ जो छपुआ से स्ट्रेट आ जाते हैं हम, जो केसरिया बुद्धा स्तूप है, हमारे केसरिया में पड़ता है। तो मैं उस रास्ते से अभी निकल रहा हूँ, आया था मैं मोतिहारी से। उधर का रास्ता जो क्या है बढ़िया है, थोड़ा सा फटाफट आप निकलते जाओगे। इधर क्या जो थोड़ा टूटा फूटा है और इधर जो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए कोई नहीं, अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं इसी रास्ते पे और दिखाते हैं आपको। ऑल कलर्स आर अवेलेबल। बाची तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम मैं रास्ते से जा रहा था तो TVS का शोरूम दिख गया और उसमें सर्विस सेंटर भी, और TVS देख के मेरे से रहा नहीं जाता है। यहाँ से भी है, यहाँ से भी रूट दो है, दो डायरेक्शन में जाती है। एक जो है यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो ये वापस से जो मोतिहारी चली जाएगी, मोतिहारी यहाँ से 26 किलोमीटर पड़ेगा। और अगर अपने स्ट्रेट या राइट लेके बढ़ते रहते हैं तो यहाँ से 4 किलोमीटर है जो सोमेश्वर नाथ टेम्पल, जो कि फिर वहाँ से जो पड़ेगा मेरा घर 38 या 40 जैसा। तो बात तो घूम फिर के वही पड़ जाता है, शॉर्ट कहीं से नहीं पड़ता है, ना उधर से ना इधर से, 2-4 किलोमीटर का हाँ डिफरेंस रहेगा। पर वही प्रेफर करें आप लोग, अगर इधर आपको कोई काम ना हो या ऐसा कोई ज़रूरत ना हो तो इधर से ना ही आए। ये सिंगल लेन है, ऊपर से टर्निंग, थोड़ा सा ट्रैफिक वाला ये जोन रहता है, उधर बढ़िया आना है। नेशनल हाईवे है वो तो 27, वो पकड़ के एकदम धंधन आते निकल जाइए। तो मैं तो बस आ गया कि चलो उधर से जाने टाइम लिया था तो लौटते टाइम इधर से ले लेता हूँ, ऑप्शन था तो भाई चलो आ गया, नहीं होता तो वहीं से आते। ये देखिए, यही मैं बता रहा था, जब आप लोग अरेराज क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे जो है बड़ी ही सावधानी से आप लोगों को राइड करना है, क्योंकि यहाँ पे एक तो पहले तो रोड जो है वो जिगजैग में है और ऊपर से इतनी घनी आबादी है, कभी भी रोड पे कोई आ सकता है, छोटे छोटे बच्चे आ सकते हैं। इसलिए आप लोग जो है यहाँ पे सावधानी से अपने व्हीकल के साथ ट्रेवल करें। तो ये देख लीजिए, आपने देखा ये कैसे जिगजैग मोशन में है, मज़ा तो आता है इसमें चलाने में, थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि रेस ट्रैक ओरिएंटेड है। आई एम जस्ट जोकिंग, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर एकदम 90 डिग्री में जो है ये टर्न हो चुका है, एकदम से 90 डिग्री में। कभी कभी रात में फॉग में समझ में नहीं आता है, अभी कुछ ही दिन की बात है, जब मैं एक शादी में आया था तो उस टाइम में बाइक से नहीं था, क्योंकि ठंडी में रात में तो बहुत फॉग रहता है। तो मैं स्कॉर्पियो से था और स्कॉर्पियो जो है 100+ थी, और ये टर्निंग मुझे याद ही नहीं था कि यहाँ से टर्निंग, एकदम से सीधा से मेरे को लगा मैं तो जाके मार दूंगा घर में ही। चलिए अच्छा है, कंट्रोलिंग था कार में, रुकी गाड़ी। पर उस दिन के बाद से मैं इस रोड पे दोबारा आया ही नहीं, आज बस इधर से जान के मेरे को ब्लॉग बनाना था इसीलिए मैं आ गया हूँ, वरना मैं ये प्रेफर ना करता हूँ ना किसी को रिकमेंड करता हूँ। बहुत ही रिस्की रोड है भाई, बहुत ही रिस्की रोड है, थोड़ी सी गलती है तो आपकी जान जाएगी या सामने वाले की जान जाएगी। पता
यानी यहाँ के जो लोग रहते हैं वो ऐसे एकदम निधड़क निडर कैसे रहते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग भी खेलते रहते हैं रोड पे, और रोड में इतना फिनिश है ना कि आप लोग देख लो एकदम इसका फिनिशिंग लेवल, कि कोई भी गाड़ी ऑटोमेटिकली जो है वो स्पीड पकड़ ही लेती है आप चाहो ना चाहो। ये देखिए, ओहो, मज़ा आ गया भाई साहब। यहाँ मज़ा थोड़ा सा और है जो थोड़ा सा अपने पास हाई एंड वाली बाइक हो या कोई सुपर बाइक हो। अभी क्या ये अपाची वपाची, चलो ठीक है अभी काम चल रहा है इसी से, जो है वो यही है, पर ये सिर्फ काम चल रहा है ना, एक जो थ्रिल आता है ना वो सब चीज़ें आप इसी ये सब बाइकों में मिस करोगे, या जिसके पास जो पहले से हाई एंड की बाइक चला रहे हैं उनको पता होगा थ्रिल जो है वो अपाची में नहीं है। ये देख लीजिए, यहाँ पे जो पुरानी बसेस आती हैं उनको रिन्यू कर दिया जाता है, उनकी बॉडी जो है नई नई बनाई जाती है। यहाँ पे बस हो ट्रक हो आप लोग आए यहाँ बनवाएं, यहाँ आप आके ख़रीदना भी चाहते हो डायरेक्टली या डायरेक्टली मिल भी जाएगा, अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करा भी सकते हैं यहाँ पर, आपको कैसी बॉडी चाहिए, कैसा कलर स्कीम चाहिए, कैसे कैसे ग्राफिक्स चाहिए, वो सब यहाँ पर हो जाता है सिर्फ बस और ट्रक के लिए। ट्रक का तो पता नहीं लेकिन बस का तो कन्फर्म, और जब बस हो रहा है तो ट्रक भी हो रहा होगा। ये देखिए, अरे भाई टर्निंग देखिए, एकाएक 90 डिग्री पर बेंड हो चुका है ये टर्निंग, और ये जगह है इजरा जो अरे राजा और खजुड़िया के बीच में पड़ता है। भाई साहब यहाँ एक ही चीज लेके चलना है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आपको अपने जान की भी परवाह करना है और सामने वाले की भी। ये इतना अच्छा व्यू आता है ना जो अभी का टाइम है, एकदम मस्त शाम होने वाला है, और ये देखिए सूरज भगवान अपने साथ साथ जो चलते हैं, ये मेरे को बहुत मज़ा आता है। अपने हर ब्लॉग में ये चीज़ देखता हूँ ना तो मेरे से रहा नहीं जाता है, मैं दिखाता ज़रूर हूँ। ये व्यू देखे आप लोग, बस इतना मज़ा आ रहा है, असली मज़ा तो घूमने में ये भाई साहब, बस राइडिंग गियर्स पहनो, बाइक लो और निकल पड़ो, एक बैग में अपने छोटे छोटे कपड़े डाल लो थोड़े से, बस घूमते रहो घूमते रहो। ये देखिए, पर घूमने का मतलब ये नहीं कि इनकी तरह पोल्यूशन वाली बाइक ले घूमे, वरना पुलिस जो है चालान तो काटेगी ही, बाइक भी सीज करेगी। आप लोग पेपर वेपर ओके रखे बाइक का, और खुद का भी पेपर ओके रखे, सेफ्टी गियर्स भी सब ओके रखे, फिर घूमे और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए घूमे, ये नहीं कि सारे रूल्स की धज्जियाँ उड़ाते हुए घूम रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करिए भाई। अभी जो है मैं खजुड़िया पहुँच गया हूँ, और टाइम हो रहा है अभी 2:45, खजुड़िया से मोहम्मदपुर ज़्यादा दूर है नहीं, यहाँ से मेरा घर अप्रॉक्सीमेटली 7 या 8 किलोमीटर पड़ेगा, तो देखता हूँ। अभी मेरा तो कोई घर जाने का प्लान है नहीं, मैं सोच रहा हूँ मोहम्मदपुर में कुछ काम है थोड़ा सा निपटा के फिर घर जाऊँ, पर देखते हैं क्या होता है। डुमरिया पुल के पास आ गया हूँ, इनफैक्ट उसी पे अभी मैं जस्ट डुमरिया पुल पे ही चढ़ने वाला हूँ, देख ले आप। और यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना भाई साहब, बहुत अच्छा, पता नहीं कैमरे में कैसा आ रहा होगा,
देखो बहुत मज़ा आ रहा है, सूरज भगवान आगे से। डुमरिया घाट गंगा मैया जो है ये